शिरोमणि अकाली दल हलका कपूरथला के प्रभारी परमजीत सिंह एडवोकेट और शिरोमणि अकाली दल पार्टी अध्यक्ष सुखवीर सिंह बादल द्वारा जारी एक बयान में दो घोषणाएं करते हुए कहा कि 2022 में शिरोमणि अकाली दल सरकार के गठन पर दलित समुदाय के लिए दो बड़ी घोषणाएं की गई हैं। एक तो दलित समुदाय से डिप्टी सीएम पंजाब बनेंगे और दूसरा पंजाब प्रदेश दुआबा क्षेत्र में संविधान रचयिता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय खोलेंगे की घोषणा भी की गई। इसको लेकर पंजाब प्रदेश में दलित समुदाय के भाईचारे के लोगों में खुशी की लहर देखने को दिखी। इसी कड़ी के तहत शिरोमणि अकाली दल जिला कपूरथला एडवोकेट परमजीत सिंह ने कपूरथला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देते हुए बहुत कुछ कहा। आए सुनते हैं उनकी जुबानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये मैं समझना साडे सारयां लई बहुत ही खुशी वाली गल आ कि जदों भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब जी 130वीं जन्म शताब्दी जिहड़ी आ पूरे ही जोशो खरोश दे नाल बहुत ही निम्रता दे नाल पूरे हिंदुस्तान विच पूरे वर्ल्ड विच मनाई गई आ। क्योंकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब की जिहड़ी हिंदुस्तान नूं देना जां खास तौर पर मैं समझना कि जेडे दबिया कुचलिया समाज आ पछड़िया समाज आ उन्हां दी भलाई वास्ते छुआछात नूं खत्म करन वास्ते जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने संविधान दे विच प्रोविजन कीतियां आपां उन्हां सारे बारे जानते हैं क्योंकि वह जिहड़ी साडे संविधान की बनाउण की कमेटी सी उहदे चेयरमैन डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब सन। सो इस करके उन्हां नूं पता सी कि उन्हां दे समाज दीआं की दुख तकलीफां हन। उन्होंने और छुआछात को खत्म करने वास्ते संविधान के बहुत वधिया ढंग दे नाल प्रोविजन रखिया। तो मैं समझना कि जिन्ना साडियां सरकारां नूं इस गल वल ध्यान देना चाहिए सी वह नहीं दिता गया। तो उन्होंने नक्शे कदम से चलते हुए ही सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब जिहड़े कि साडे श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त हैं उन्होंने जदों जदों भी पंजाब दे श्रोमणी अकाली दल की सरकार आई आ तो उन्होंने जिथे मैं समझना कि इन लोगों का जीवन पद्धर उच्च चकन वास्ते इन्हों की भलाई के वास्ते बहुत ही वधिया स्कीम बनाईया जिन्हों का जोड़ा सारा फायदा वो पिछले 10 साल लगातार जो श्रोमणी अकाली दल की सरकार रही आ ते गरीब समाज ने उठाया वा चाहे वह गरीब बच्चियों की पढ़ाई की गल कर लिए शगन स्कीम की गल कर लिए आटा दाल स्कीम की गल कर लिए होर बहुत सारिया ऐसा गल् उन्होंने कीतिया। तो दूजी सब तो वड्डी मैं समझना कि जिहड़ी ये सरदार प्रकाश सिंह जी बादल और श्रोमणी अकाली दल दे विच ये गल है कि उन्होंने हमेशा ही जिहड़ा साडा गरीब तबका खास तौर पर जिहड़ा वाल्मीकि भाईचारा मजबी सिंह भाईचारा जां गुरु रविदास भाईचारा हैगा उन्हां सारयां नूं जदों भी सरकार बनी आ कैबिनेट दे विच बहुत वड्डा मान सत्कार दित्ता। जे आपां गल कर लईए तो जदों भी सरकार बनी आ सरदार चरणजीत सिंह जी अटवाल साहब नूं जिहड़ा विधानसभा दा स्पीकर बनाउणा सरदार गुलजार सिंह जी रणीके साहब वर्गियां नूं जिहड़े साडे सत्कारयोग ने उन्हां नूं मिनिस्टर बनाउणा ठंडर साहब नूं मिनिस्टर बनाउणा। सो इदां बहुत सारे साडे जिहड़े गरीब जां साडे जिहड़े इस भाईचारे नाल संबंधित साडे लीडर साहिबान सी उन्हां नूं हमेशा बादल साहब ने कैबिनेट दे विच बहुत वड्डा जिहड़ा मान सत्कार दित्ता। इस तों इलावा जे लोक सभा की गल कर लीए तो लोक सभा दे विच जदों श्रोमणी अकाली दल की गल आई तो जिहड़े साडे सरदार चरणजीत सिंह जटवाल साहब आ उन्हां नूं श्रोमणी अकाली दल वल्लों लोक सभा दे विच डिप्टी स्पीकर लोक सभा दा बनाया गया ये बहुत वड्डी माण वाली गल आ। तो दूजे पासे जे मैं गल कर लाँ कांग्रेस की तो अज कांग्रेस की जो हालात हैं क्योंकि कांग्रेस पहला यह समझती है कि जिहड़ा एसी भाईचारा है साडी जेब दे विच आ पर बड़े अफसोस की गल कि आ 4 साल हो गए ने इन्हां दी सरकार बनी नूं साढ़े इस भाईचारे नाल संबंधित एक भी वजीर जिहड़ा हैगा वह कैबिनेट दे विच नहीं लिया गया। ये बहुत एक माड़ी गल हैगी आ और इहदे नाल साढ़े गरीब लोगों के सरकार के प्रति बड़ी वड्डा जिहड़ा रोष पाया जा रहा सीगा। तो जिहड़ा मैं धन्नवाद करना चाहुंदा वां सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब जिहड़े अपने फादर साहब सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब के नक्शे कदम से चल के उन्हां दी सोच नूं अगे वधा रहे ने और इस भाईचारे का जीवन पद्धर उपर चकण वास्ते इन्हां ने बहुत उपराले किए हैं। और उन्होंने कल जदों जलंधर दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस की आ तो सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ने दो बहुत अहम ऐलान किए आ जिन्हां दे विच सब तो पहला ऐलान आ
कि साड़ी कृपा करे परमात्मा श्रोमणी अकाली दल की सरकार बाई दे विच बनती है ते असी दुआबे दे विच गरीब लोगों दी बच्चिया वास्ते हायर स्टडी वास्ते बच्चों वास्ते उन्होंने एजुकेशन का खास उन्होंने सोच रखते हुए असी दुआबे दे विच बहुत वड्डी जिहड़ी यूनिवर्सिटी खोलांगे। एक बहुत वड्डा अहम ऐलान किया। दूजे नंबर पर उन्होंने ये ऐलान किया वा कि जदों 2022 दे विच साडी सरकार बनती आ तो सब तो वड्डी जिहड़ी अहमियत आ डिप्टी सीएम का जिहड़ा अहुदा वा वह असी एससी भाईचारे नाल संबंधित जिहड़े सत्कारयोग साडे लीडर होणगे जिहड़े काबिल होणगे जिन्हां नूं बादल साहब समझणगे उन्हां नूं देणगे। ये साडे सारयां लई बहुत ही माण वाली गल आ। मैं अपने वल्लों हलका कपूरथला दा श्रोमणी अकाली दल दा सेवादार होण दे नाते ते अपने वल्लों अपनी समुची जथेबंदी वल्लों साडे सारे ही दोने जिला प्रधान दविंदर सिंह जी टपई साहब हरजीत सिंह जी वलिया साहब और मेरे नाल इस वेले साडे कौंसलर साहिबान बैठे ने अशोक भगत जी बैठे ने और प्रदीप सिंह जी लवी बैठे ने हरीश कुमार जी जिहड़े साडे कौंसलर बने ने इस बार वो बैठे ने साडे अकाली दल दे होर सीनियर गुरप्रीत सिंह जी चीमा साहब जिहड़े सर्कल दे प्रधान ने वो बैठे ने ज्योति साहब बैठे ने। सो असी सारे सरदार सुखबीर सिंह जी बादल दा और श्रोमणी अकाली दल दा सरदार प्रकाश सिंह जी बादल दा दिल दीआं गहराईआं। कपूरथला से नरेश खोसला वे साजन खोसला की रिपोर्ट। मैं अपने ये मोढ़िया ते गोढ़िया तो बहुत दुखी सी। मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इसनों इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक दे इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इहदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जिहड़े गंजपन पैना शुरू हो गया सी वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असी अपने बालों करके शर्म फील